दोस्तों भारत पिछले कई सालों से यूएन में रिफॉर्म्स के मुद्दे को उठा रहा है और यूएन में परमानेंट सीट पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स भारत को परमानेंट सीट और वीटो दिलाने के लिए हर दूसरे तीसरे महीने अपना समर्थन देने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम भारत को यूएन में परमानेंट सीट के लिए अपना फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका यह सपोर्ट सिर्फ बातों तक ही सीमित है। इन परमानेंट मेंबर्स ने भारत को वीटो दिलाने के लिए यूएन में न तो अभी तक कोई मीटिंग फिक्स की है और ही कोई डेट बताई है कि इस डेट तक यूएन में रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इस सब को देखते हुए भारत अब समझ गया है कि ये सभी परमानेंट मेंबर्स भारत को वीटो के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप ही थमाते आए हैं और ये आगे भी ऐसा करेंगे। इसीलिए भारत ने यूएन के साथ साथ सभी परमानेंट मेंबर्स को टारगेट करना भी अब शुरू कर दिया है और बीते पिछले कुछ समय से भारत ने यूएन सहित सभी परमानेंट मेंबर्स को टारगेट करना और तेजी से शुरू किया है। हमने आपको पिछले दिन ही बताया था कि यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज मैम ने यूएन सहित सभी परमानेंट मेंबर्स को टारगेट करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई थी और आज भारत के यूएन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर सर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 68th मीटिंग में बोलते हुए सभी परमानेंट मेंबर्स की बोलती बंद कर दी। दरअसल जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि यूएन में नए परमानेंट मेंबर्स ऐड हों, लेकिन उन्हें वीटो का अधिकार ना दिया जाए, जिस पर प्रतीक माथुर सर ने कहा कि नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो दिया जाना चाहिए, वरना जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी अपना वीटो का अधिकार छोड़ दें। सबूत के ये आपकी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज का एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट देशों को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे भी वीटो पावर के अधिकार को छीन लेना चाहिए और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। भारत ने वीटो और परमानेंट सीट के लिए कई बार यूएन में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया है, लेकिन जिस अंदाज में भारत ने इस बार यूएन सहित सभी परमानेंट मेंबर्स को लताड़ लगाई है, ऐसा बयान किसी भी देश ने आज तक नहीं दिया है। प्रतीक माथुर सर ने कहा कि हम रूट्स कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का आर्किटेक्चर पोस्ट वर्ल्ड वार टू का है और अब हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन यूएन अभी भी 1945 वाले माइंडसेट से आगे बढ़ रहा है और 5 देश ही यूएन में अपनी दादागिरी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत परमानेंट सीट के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर भारत को परमानेंट सीट दी गई और वीटो पावर नहीं दिया गया तो जो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका भी वीटो पावर छीना जाना चाहिए, तभी यूएन में इक्वालिटी आएगी। माथुर सर ने अफ्रीकन देशों को कोट करते हुए कहा कि अफ्रीकन देशों ने भी यह बात सही कही है कि यूएनएससी वर्ल्ड वार टू के माइंडसेट को आगे लेकर चल रही है और यह सभी देशों के समान अधिकारों के खिलाफ है। प्रतीक माथुर सर ने भारत को लेकर कहा कि भारत वीटो का सबसे प्रबल दावेदार है, हम वीटो लेकर ही रहेंगे और जल्द से जल्द यूएन में रिफॉर्म्स कराएंगे। माथुर सर के इस बयान से सभी परमानेंट मेंबर्स के पसीने छूट गए क्योंकि इससे पहले भारत ने यूएन में इस रुख और कठोर तरीके से कभी नहीं बात की है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या माथुर सर ने जिस तरीके से सभी परमानेंट मेंबर्स को टारगेट किया है ऐसे ही आगे भी करना चाहिए, तभी ये सभी परमानेंट मेंबर्स यूएन में रिफॉर्म्स कराएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।